Hello everyone, myself Dr. Roychowdhury from Institute of Urology, Jaipur, again in front of you. Last time हम discuss किए थे prostate enlargement, उसका symptoms and उसका diagnosis. इस बार हम उसका surgical management के बारे में discuss करेंगे. आपको मालूम होगा prostate enlargement जब होता है, say after the age of 50, most of the patients medicine द्वारा बहुत ज़्यादा benefited होता है. These medicines are called alpha blocker, जो आजकल बहुत अच्छे alpha blocker नाम का medicine मिलते हैं, जो लेने से patient का symptoms काफी ज़्यादा improved रहते हैं, and 80% of the patients को surgery का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है और surgery लंबे time के लिए टाल दिया जा सकते हैं. But जब surgery का ज़रूरत पड़ते हैं, तब कौन सा surgery सबसे अच्छा होता है? Conventional open surgery तो आजकल होता ही नहीं किधर भी, और जो दूसरा जो technique है, which is known as this TURP, जो usually ऐसा सर्जरी है जिसमें ब्लड लॉस सिग्निफिकेंट होता है, लंबा हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ते हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है, तो TURP आल्सो टेकिंग ए बैक सीट. नाउ द मोस्ट लेटेस्ट एंड मोस्ट इनोवेटिव एंड बेस्ट टेक्निक जो आ रहा है, विच ऑलमोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है, दैट इज नोन एज होलेट और लेजर प्रोस्टेटेक्टमी. लेजर मशीन द्वारा प्रोस्टेट को टोटली रिमूव किया जाता है. करीब करीब घंटा डेढ़ घंटा का सर्जरी होती है और इट एब्सोल्युटली ब्लडलेस पेनलेस ऑपरेशन होती है. हॉस्पिटलाइजेशन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को 24 आवर्स होता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑलमोस्ट रेयरली जरूरत पड़ता है. बिकॉज ब्लड लॉस नहीं होता है तो ये ऑपरेशन का टाइम ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं करते हैं ब्लीडिंग नहीं होने का कारण. सो ये हार्ट पेशेंट, डायबिटिक्स, एल्डरली एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देते हैं, एस्पेशली द पेशेंट्स जिसको पेसमेकर लगा होता है, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है. और हॉस्पिटलाइजेशन एक दिन का होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तो एक्सट्रीमली रेयर. और टोटल प्रोस्टेट रिमूवल लेजर प्रोस्टेट रिमूवल द्वारा बहुत अच्छी तरह से कर दिया जाता है. और प्रोस्टेट कितने भी बड़े हो, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, अप टू 300 ग्राम्स, 350 ग्राम्स प्रोस्टेट भी काफ़ी इजीली रिमूव किया जाते हैं एक ही सिटिंग में. और हमारे सेंटर में हम खूब सारे बड़े बड़े प्रोस्टेट का सर्जरी करते हैं. लास्ट 10 इयर्स में हम करीब करीब 3000 से भी ज़्यादा लेजर प्रोस्टेट सर्जरी कर चुका है एंड वेरी एक्सलेंट एंड वेरी हाई सक्सेस रेट. एंड सो आई एडवाइस ऑल ऑफ यू, इफ यू एवर नीड प्रोस्टेट सर्जरी, प्लीज़ कंसल्ट आवर सेंटर, प्लीज़ कंसल्ट मी. वी विल ऑफर यू द बेस्ट टेक्निक ऑफ दिस प्रोस्टेट सर्जरी, विच इज कॉल्ड एन होलमियम लेजर एनुक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट और होलेप. होलेप नाम पे जाना जाता है ये जो सर्जिकल टेक्निक है, जिसका खाली एडवांटेज है, डिसएडवांटेज बहुत कम होता है. एंड दुनिया में बहुत ज़्यादा सेंटर में ये चीज़ नहीं होता है. हमारा सेंटर लास्ट 10 साल से लेजर प्रोस्टेक्टोमी कर रहा है. मोर देन 3000 पेशेंट्स हम कर चुके हैं. एंड इसके लिए मैं आपके लिए ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपको लेजर प्रोस्टेट सर्जरी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को टेलीफोन पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप जैसे फेसबुक में कमेंट कर सकते हैं. आई विल बी respond to you very promptly. Thank you.